हम तो नहीं मालूम है, भारत देश तब आजाद हुआ था, हम तो पैदा नहीं लिए थे। बताना जरूरी है तभी ना पूछ रहे हैं बाबू आपसे। आप तो सब बता दें दे तो हम रथे देता, आप थोड़ी मार सकता है तो आप तो सुनाए। अभी मैं खड़ा हूँ एक पान के दुकान पे और आज जो है गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी दर्शकों को भावकाल टीवी की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं इस रास्ते से जा रहा था और हमें एक चाचा मिल गए। अब इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पे ये झंडा लगाए हैं किस लिए लगाए हैं, किस वजह से लगाए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, तो इनसे बात करते हैं। ये हमारे लिए कुर्सियाँ लगाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्ना। क्या करते हैं? लगाते हैं चूना। चूना लगाते हैं? किसका चूना लगाते हैं जी? पान पर। पान पर? हाँ। आदमी उदमी का चूना नहीं लगाते हैं ना? नहीं। पान पे कहाँ चूना लगाते हैं? अजय पान। अच्छा तो ये बताइए, पान पे चूना लगाते हैं तो आज क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी है? हाँ। इसीलिए झंडा लगाए हैं? इसीलिए झंडा लगाए हैं। अच्छा ये बताइए कि भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त। 15 अगस्त कब? 1947 में। अच्छा 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, ये देखिए इनको बहुत अच्छे से मालूम है। अच्छा ये बताइए कि हम आप कौन से राज्य के रहने वाले हैं? झारखंड। झारखंड के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री के हेमू सोरेन। हेमू सोरेन। अच्छा ये देखिए एक चाचा है, इनको बराबर सब कुछ मालूम है। अच्छा ये बताइए कि आप विकलांग है? हाँ विकलांग है। तो विकलांग पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। और विकलांग वाला गाड़ी वाड़ी जो आता है दिया है सरकार आपको? नहीं नहीं दिया है। नहीं तो कहते नहीं है यहाँ के जो मुखिया है और जो लोग से? कहते हैं नहीं सुनते हैं। क्या कहते हैं? गाड़ी चाहिए तो नहीं सुनते हैं। कौन सा गाड़ी? चार चक्का वाला। चार चक्का वाला? हाँ। तो बुलेरो मांगिएगा तो मिलेगा जी? तब का क्या मांगेंगे? बुलेरो देगा सरकार आपको? हाँ। मांगो जाएंगे तो साइकिल चाहिए। विकलांग के गाड़ी आता है ना वही? विकलांग के बुलेरो गाड़ी आता है? जो गाड़ी आता है वो चाहिए। जो गाड़ी आता है वो चाहिए हमको। अच्छा जो गाड़ी आता है वो चाहिए, बताइए। अच्छा ये देखिए इनको चाचा को पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम है, अच्छा लगा इनसे बात करके। हम इस रास्ते से जा रहे थे, ये बताइए कि आपके यहाँ का विधायक जी कौन है? मतलब विधायक? हाँ मुकलेश ठाकुर। मुकलेश ठाकुर? ये कौन है जी? मिथिलेश ठाकुर है। हाँ। अच्छा वो काम करवाए हैं? नहीं करवाए हैं अभी कुछ काम। रोड उड तो आपके यहाँ बंद नहीं किया ही वाला? सब नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा आप पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे तो नहीं है। तो इतना जानकारी कैसे रखे हैं? ऐसी जानकारी है सुनने से। कौन सुनाता है सब बात आपको? बहुत लैकन है। ये देखिए यहाँ पे ये चाचा है, इनको बराबर सब कुछ जानकारी मालूम है, लेकिन सरकारी स्कूल में चले जाइएगा तो बच्चे लोग को कुछ भी मालूम नहीं होता है। बाबू इधर आना रे एक बार। ए सुने? हाँ तो अभी एक चाचा से बात कर रहे थे और कुछ बच्चा लोग हैं, इनसे भी थोड़ा पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बाबू क्या नाम है आपका? आमिर शाह। आमिर शाह नाम है। ये बताइए कि आज कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी है? ये बताइए कि भारत देश कब आजाद हुआ था? हम तो नहीं मालूम है, भारत देश तब आजाद हुआ था, हम तो पैदा नहीं लिए थे। हम तो हमारे बाप दादा लेबे नहीं दिए थे पैदा, तो हम तो जाने। तो कब पैदा लिया है जी? अब हम तो नहीं जाने हैं। तो स्कूल में जाते होगे ना? जाते हैं। तो नहीं पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं। तो फिर याद नहीं किए हैं? दिए हैं। तो फिर नाम नहीं बता पा रहे हैं भारत का आजाद हुआ था? बताना जरूरी है। बताना जरूरी है तभी ना पूछ रहे हैं बाबू आपसे। आप तो सब बता दें दे तो हम रथे देता। अच्छा आप बता दीजिएगा तो रखिएगा क्या? हाँ महाराज आप तो कोई जीनियस सुनियस आदमी है क्या जी? नहीं हम तो स्कूलिया में सवाल लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखिएगा? हम लिखे दे बोलने दे तो नहीं। अच्छा लिखिएगा बोलिएगा नहीं? नहीं। ये देखिए क्या नाम बताए? आमिर शाह। ऐसा ऐसा देश में लड़का पढ़ेगा तो समझिए सवाल पूछ रहे तो कह रहे बता देंगे तो हम रखेंगे क्या, समझ रहे हैं ना? तो एक से एक विद्वान है हमारे भारत देश में और खास करके हमारे झारखंड राज्य में। अच्छा ये बताइए कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नावादी।
अच्छा सरकारी स्कूल है? यस। तो सरकारी स्कूल में कौन से क्लास में पढ़ते हैं? एक। कौन सा में? आठ। आठ मतलब एट क्लास में पढ़ते हैं। आठ का टेबल सुना सकते हैं? याद है पहाड़ा। हाँ 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 पढ़िए तो, पढ़ना जरूरी है। ऐसे कह रहे हैं जी, तो फिर आपको कुछ आता नहीं है? नहीं आता है कहिए साफ साफ, हमको नहीं आता है। आता है तो आता है तो न बता रहे हैं न पढ़ रहे हैं न सुना रहे हैं। आप थोड़ी मास्टर है तो आप तो सुनाए। आता अच्छा है लेकिन पढ़ाता नहीं है। अच्छा सुनिए जी। हाँ का अच्छा ये लोग को पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में? क्या बोल रहे हैं? हम इसलिए इसको पूछे कि 26 जनवरी भारत कब आजाद हुआ था, तो कह रहा है कि हमको जानकारी आपको कहे बताएंगे, बता देंगे तो कम हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है लड़का। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? वही पूछ रहे हैं कि स्कूलिया में कहे नहीं पढ़ाया जाता है लोग का। अब उसका उस समझे कि कहे नहीं पढ़ाते हैं, मास्टर की ना गलती है जी, है ना। भार आज के दिन के बारे में पूछ रहे हैं जी। हाँ आज 26 जनवरी है जी, आज ही के दिन यानी जब भारत हमारा देश आजाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 को जी। लेकिन ये संविधान जो है सो अंग्रेज का था जी। लेकिन अपना संविधान बनाने के लिए तैयारी की गई और जो है तो जब बन करके तैयार हुआ तो इसको लागू 1950 के 26 जनवरी को लागू किया गया। इसलिए आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ये जो है सो लागू किया गया संविधान, इसलिए आज के दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये देखिए सर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह कैमुद्दीन है। ये देखिए मौली साहब थे, इन्होंने एक एक जानकारी दे दी, लेकिन यहाँ के बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि भारत कब आज़ाद हुआ था। आप पूछ रहे हैं तो बाबू कह रहा है कि आपको हम कहे ला बताएंगे, जानकारी मेरा ले लीजिएगा तो समझिए स्कूलिया में क्या पढ़ाई होता है। सरकारी स्कूल में यही सब तो सिखाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं भौकाल टीवी के साथ समर। जय हिंद।